कितना वेट होगा इसका इसका वेट भी ढाई सौ से ऊपर ही ढाई सौ से ऊपर है मुरब्बे गर्मी में मुरब्बे भी इनके शुरू हो जाते हैं मुरब्बे ठंडी है। चीजें जितनी हो सके लस्सी में मखन मक... तो इनको रात को जोजो से ही बनता है इसको खुद खिलाना पड़ता है बहुत ज्यादा मेहनत है इनके बंदे है छह सात बंदे हैं जो छह सात बंदे रखे गए पैसे की बच्चे नहीं अपने घर में पाले वैसे इनको बड़े नखरों के साथ मेरे पापा का तो बहुत ज्यादा वो जब कुर्बान होते हैं फिर उनको देखने वाला होता है वो और देखने में नॉर्मल आपको ही खड़ा हो तो लगता है जैसे बछड़ा खड़ा दूर से ऐसे ही हाँ, लगता तो दूर है दूर वो असलाम जी मैं आपका दोस्त आपका भाई नवीद अहमद चौहान आज मैं गुजरा वाला पर मौजूद हूँ और आपको पता है जैसा कि ईद उजा करीब आ रही है वैसे ही यहाँ पे गुजरा वाला के जो पहलवान है खुद एक पहलवान है खाबे भी पहलवान से कहते हैं यहाँ के बकरे भी पहलवान या ये देखें जी यहाँ के बकरे ये आपको ये मेरे कैमरा में पास आके दिखाए जी ये देखें जी ये बकरे चेक करें आप इनका ये कद चेक करें और इनकी ये वेल चेक करें इसकी वेल चेक कराएं जी ये देखें जी ये माशाला ये बकरा चेक करें आप कहीं से बात भी करते हैं जो इनके ऑनर है जिन्होंने ये पालने शौक से पूछते कब से ये शो कर रहे हैं कितने सालों से सारी बात जानते हैं क्या क्या खिलाते हैं इन बकरों को यहाँ पे बकरे भी मौजूद है छतरे भी और टैडी बकरे भी मौजूद है ये भी दिखाएं जी जी टैडी बकरा ये बड़ा प्यारा सारा बकरा है और इसकी ये पुट चेक करें, और इसका ये वेट चेक करें भाई जैसे जानते हैं कितना कितना वेट है और क्या ये कभी लेके गया मुकाबले के लिए भी सब बात करते हैं जी असलामीकुम जी वालकुम क्या भाई जान अल्लाह का शुक्र है उमर भाई मुझे बताइएगा कब से आप शो कर रहे हैं ये तो शौक जो सा हमारा काफी पुराना है मेरे पापा को शौक था ये तीस पैंतीस साल का हमारा पुराना शौक है अच्छा उसके बाद जैसा कि हमें हमें भी यही शौक पड़ गया बकरों का बहुत ज्यादा शौक है हाँ, साहब की वजह से ही? हाँ साहब की वजह से वाला साहब बचपन से वो भी पालते हैं हाँ. से हम भी बचपन से ये बकरों का शौक पाल रहे हैं कितने साल हो गए हैं कि शोक कर रहे हैं शौंक इसको तकरीबन चालीस साल हो गए मेरे पापा को उनको लेकर ना चालीस साल से हम पाल रहे हैं बकरे है? पाल के कुर्बानी करते हैं हर साल पूरा साल पाल ऐसे पूरा हो गया। साल और ये जो माशाल्लाह बकरे है कौन सी नस्ल है कितना इसका वेट है ये राजनपुरी है ये, ये मक्खी चीना हाँ। ये अभी दोंदा है अभी भी इसका वेट धोन ना एक सौ नब्बे की के जी माशाला माशाला आपके पास सबसे हैवी वेट बकरा है, वो कौन सा है सबसे हैवी वेट तीन चार बकरे जो है फुल हैवी है। जी जी जैसा की ये है अच्छा ये माशाला ये तो देखे जी माशाला तो... इसकी वेल चेक करें और इसका ये सब इसकी जालर भी चेक करे कितनी इसकी जालर ये देखें अभी भी ये अच्छा इसकी अभी भी काफी इसके जिसम में जैसा कि ये बकरा है इसकी हाइट आप मेरे जितनी ये देखें जी इसकी हाइट चेक करें जी ये देखें जी मेरे जितनी हाइट है इसकी कितना वेट होगा इसका इसका वेट भी ढाई सौ ऊपर ही है ढाई सौ ऊपर है ठीक है और उमर भाई कभी मुकाबले के लिए नहीं लेके गए ये मेरे पापा का मानना है कि ये ऐसे शौक करो थोड़ा थोड़ा। आज तक हमने कभी भी ना हाँ। मतलब के मुकाबले के लिए नहीं लेके लेखे मतलब शौक नहीं अपने शौक के लिए जैसे भी हम देख रहे, है आपके हाँ। है रहे है। है हैं आपके मुकाबले से अच्छा हैवी बकरे हैं हैवी बकरे मुकाबले वाला आप क्या, क्या जानवर के साथ जियाती है मुकाबले पे लेके जाना मेरा मानना भी ये है मेरे पापा नहीं हम मुकाबले के लिए अच्छा कुर्बान कर ऐसी बात यह आपका शौक है बड़ा शौक है इनकी हिदमत कैसे करते हैं क्या क्या खिलाते पिलाते हैं इनको इनकी खिदमत ऐसे जैसा कि अब गर्मी है सुबह सबसे पहले इनको सारे बकरों को लस्सी इनको पिलाई जाती अच्छा। है लस्सी के बाद इनके पट्टे इनको खिलाए जाने हाँ। पठों के बाद ऐसे अब टाइम हो गया शाम का छह हाँ। बज रहे हैं ठीक है तो उसको अब इनको दाना खिलाया जाना हाँ। दाना इनको मुरब्बे गर्मी में मुरब्बे भी इनके शुरू हो जाते हैं मुरब्बे ठंडी चीजें जितनी हो सके लस्सी में मक्खन तो इनको रात को जरूर है गर्मी सर्दी में मक्खन खाने लास्ट में इनको रात में दूध के अंदर मक्खन डाल के पिला दिए माशाला माशाला ये देखे जी ये बड़ा शोक यहाँ पे किया गया है यहाँ पे करते हैं भाई उम्र बता रहे हैं मेरे वाले साहब तीस से पैंतीस साल से यहाँ पे शोक कर रहे हैं ये बकरों का शोक करते हैं ऐसे ही और कह रहे हैं जी हम मुकाबले के लिए लेके जाते हम अल्लाह तला की राह पे कुर्बान करते हैं और ऐसे ही यहाँ पे ये यह देखे जी बकरे चेक कर सकते हैं कितने कितने बड़े बकरे हैं भाई के कद इतना बकरा ये देखे जी ये बाई का कद भी चेक करें बकरे का भी चेक करे इनकी वेल भी चेक करें सब आपको नजर भी आता होगा अच्छा उमर भाई बताइएगा टेडी बकरा है जो साहब ये टैडा है गुलाबी टैडा होता है ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छा ये पाला होगा ये अच्छा, भी इसका भी वेट बहुत अच्छा ये भी है आ, ये भी धोंदा ये है। है। मतलब फुल है कितना इसका? इसका तकरीबन मैं कितना वेट करते नहीं है मगर देखने से आपको अंदाजा हो जाएगा ये कितना अच्छा इसके अलावा छतरे वगैरह वो खिला रहे हैं कजलिया कजला उनके साथ मुंदरे बकरे है तो ये भी टैडा है ये भी अच्छा ऐसे ही खिलाते हैं जैसे बही हाँ खिला रहे हैं तो ये है कि खुद ब खुद भी खा लेते हैं मगर ये जब तैयारी के लिए मुकाबले के लिए तैयार हो रहे हैं ना हाँ। मतलब कि इनको मुकाबला नहीं करना वैसे इनको तैयार करने के हाँ लिए, लिए इतना इतना बड़ा है जानवर बेट फिर वैसे ही बनता है इसको खुद खिलाना पड़ता है बहुत ज्यादा मेहनत है इनके बंदे हैं छह सात बंदे हैं जो छह सात बंदे रखे गए हैं इनकी देखने के लिए जी ठीक है तकरीबन ये अठारह बीस बकरे हैं जिनमें टेडे हैं मुन्द्रे हैं मतलब कजले बकरे सारे तो इनके लिए छतरों में जो आपके मुन्द्रे छतरे आ, ये देखे, हाँ। वेट नहीं किया मगर आपको वेट के बगैर ही नजर आए नी हाँ, ये दिखाए ये भी अच्छा ये बड़ा प्यारा सारा मुन्द्रा छतरा ये देखे नी ये देखे नी माशाला माशाला इसका फेस चेक कराए इसका फेस देखे और इसकी ये वेल देखे और इसकी ये पुट देखे माशा इसकी पुठ पे हाथ नहीं मेरा पूरा आ रहा ये देखे माशाल्लाह माशाल्लाह ये जो छतरे भी हैं इनके काफी हैवी वेट है और वो देखें ये भाई खाना खिला रहे हैं जैसा कि उमर भाई ने बताया छह से सात बंदे जो हैं इनकी रखवाली करते हैं इनकी हिदमत करते हैं ऐसे इनको खाना खिलाया जाता है हर साल ये ऐसे ही पालते हैं छतरे बकरे जो टैडी बकरे हो गए जिसमे मुन्द्रे बकरे हो गए जिसमे चीनी नस्ल का क्या कौन सी नस्ल होती है वो रच, चीनी है हाँ? तो उसमें गुलाबी होते हैं वाइट है वो जैसे कि चीना ये आ रहा है ये हाँ, है। है। ये भी ध्वधा है इसकी हाइट और इसकी जो हाँ, हाँ। पूरी पहलवानों जैसी पहलवान हाँ। पहलवान हाँ, है जैसे पहलवानों जैसी है जैसे चौड़ा चोड़ा चोड़ा हाँ। है। तो आपने वो... कहा जी, जैसे पहलवान गुजरा वाला में रहते हैं वैसे ही हमने बकरे भी तैयार करने हैं पहलवान अब हमारे पास कमजोर बकरा वो हरी बिस्ती है गुजरा वाल की शान है बंदा कमजोर गुजरा वाला कहो फिर भी उसको पहलवान ही कहते हैं ऐसे ही बकरे जो लोग देखे टेडा अभी ये गली भी लगा हुआ है इसको खुद खिलाना मगर वो खुद भी खा रहा है, हाँ, अच्छा, खुद भी अभी भी है, भी है मगर वो खुद भी खा ठीक है, है। वो, 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 उमर वो भाई वो, वो, हाँ, कजला, ये चार माह का बच्चा ये ये चार माह का बच्चे अगले साल के लिए अच्छा उमर भाई कुर्बानी करते सारी आप लेते हैं पच्चीस दो हजार पच्चीस के लिए आप अगले साल के लिए भी बकरे ले लिए कुछ ले लिए कुछ आहिस्ता आहिस्ता दरमियान में आते जाने अंदर उनकी भी पूरे साल ऐसी पूरा साल खिदमत होनी है ये जैसे कि बच्चे नहीं अपने घर में पाले वैसे इनको बड़े नाज और नखरों के साथ मेरे पापा का तो बहुत ज्यादा वो जब कुर्बान होते हैं फिर उनको देखने वाला होता है वो बहुत ज्यादा फिर एक बच्चे ही जैसे कुर्बान अपना करना है वैसे ही अच्छा, वो ऐसे काम पर हाँ। ये बात है कि जो हमारे से ज्यादा वो इनका प्यार करते हैं मेरे पापा और आगे से हमारा भी ऐसे कोई खेल कूद नहीं आना इधर बैठना इनके साथ खेलना है यही सब कुछ है शौक बस कूलर वगैरह लगाए हैं इनके लिए अच्छा कूलर लगे हैं हम अंदर कूलर लगे हैं ठीक और है। उसके जो इनकी जगह उधर कूलर लगे हाँ। हैं इस वक्त खुली हवा में पानी सब बकरों को दिया। अच्छा, देली नहला दिया है अच्छा डेली गर्मी में डेली एक एक बकरे एक एक बकरे इतने टोटल आपके पास हैं इस वक्त अठारह उन्नीस बकरे हैं ये जो उन्नीस बकरे हैं मेरे ख्याल से एक वेड जितना वेडे से भी बड़े बकरे हैं ये वैड जितना कहा जाए ना की जैसा की दरमियाना बछड़ा हो उससे ज्यादा इसका बकरों का वेट है, 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 हाँ, है, है ऐसे ही है और देखने में नॉर्मल आपको से चालीस साल से मेरे वाट्स शो करते हम पे भी शोक ट्रांसफर हो गया ऐसे ही अठारह से उन्नीस बकरे पालते हैं हर साल ऐसे बकरे यहाँ पे पाले जाते हैं और ये देखे दो हजार के लिए भी छतरा ले लिया गया यहाँ पे इनको कुर्बान करेंगे ऐसे दो के लिए

ढाई सौ किलो का ये बकरा है ढाई सौ के जी इसका वेट है ये देखे नी ये बकरा जो बैठा हुआ है काफी हैवी वेट ये बकरे हैं ये गुजरा वाला के पहलवान है जी ये गुजरा वाला के पहलवानों के शौक है गुजरा वाला के पहलवान तो है गुजरा वाला के कहते हैं जी पहलवान भी हमारे बकरे भी पहलवान हो जो हम ऐसे कुर्बान करेंगे जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आईकॉन पर क्लिक करें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें